गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। तो अकेले तो मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ जा रही है परी, क्योंकि होना चाहिए कोई साथ में बात करने वाला, वरना अकेले अकेले तो ऐसा लगता है बस हम चले ही जा रहे हैं। तो मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ परी को। तो हम हो गए हैं रेडी निकलने के लिए और परी मेरे साथ है। परी को लेके जा रही हूँ अपने साथ। मार्केट पहुंच गए हम तहसील की पार्किंग में, और पार्किंग में सुबह सुबह ही ऐसा हाल है। अभी दिखाती हूँ, ये देखिए सुबह सुबह इतनी भीड़ हो गई है। इसका मतलब सुबह से ही सबका इतना काम पड़ जाता है, हमें लगता है कि हम ही घर से काम के लिए निकल रहे हैं, लेकिन नहीं, बाहर आके देखो तब पता चलता है काफ़ी भीड़ है। हम लोग चलते हैं मार्केट के अंदर। मैंने अपनी गाड़ी लगाई एकदम साइड में। मार्केट में काफ़ी भीड़ है सुबह सुबह ही। तो मेरा जो काम था मार्केट में वो ये है, चलो अभी बताती हूँ क्या है। परी का हाथ नहीं छोड़ सकती क्योंकि काफ़ी भीड़ है, परी इधर उधर ना हो जाए। मुझे डर है। परी को ये डर है मैं खो ना जाऊँ। आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कितनी चहल पहल है। मुझे लगता है आज सब जगह भीड़ मिलेगी। मेरा काम ये था कि मुझे परी की ड्रेस में कुछ चेंज हुआ है तो उसको चेंज कराने के लिए आना था। यहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मैं सच बताऊँ। परी को मैंने यहीं पे सूट ट्राई करने के लिए बोल दिया क्योंकि बार बार हम लोग राउंड नहीं लगा सकते। तो परी अपना सूट ट्राई कर रही है, उसमें पॉकेट ऐड हो गई है। परी सूट है। अभी ट्राई। देखो कितनी भीड़ है शॉप में, सारे पेरेंट्स ड्रेस के लिए वेट कर रहे हैं। परी ने अपना ड्रेस वेयर कर लिया है। परी कैसी लग रही है ड्रेस में? व्हाइट पैंट चलेगी? नहीं, अभी प्रॉपर पहनेगी तब सही लगेगा। सूट ले लिया है हमने बड़ी जल्दी, और जल्दी से काम नहीं पड़ जाए तो भी मज़ा नहीं आता, और ज़्यादा लंबा टाइम वेट करना पड़े तो भी सही नहीं लगता। तो सूट लेके हम चल रहे हैं थोड़ा सा आगे। मुझे लग रही कुछ खिला दो पहले। देखो वैसे चाहे नाश्ता करके आए पर मार्केट आके इन्हें पता नहीं क्यों भूख लग जाती है, और रास्ते में अलग अलग पकवान भी तो दिखते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अब रास्ते में देखो हम घूसी गली में पहुंच गए हैं, घूसी गली में घुस गए हैं हम, और घुसते घुसते हम शायद गली को जल्दी से पार भी कर जाए। इन्होंने खाना खिलाने से तुमको डर कर दिया, तो मैंने बोला कि चलो आइसक्रीम खिला दो। तो तैयार हो गई आइसक्रीम खिलाने के लिए और खुद भी खाने के लिए जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, जब ये खाएगी तो मैं भी तो खाऊंगी साथ में। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आपके हिस्से की रास्ता, आपके हिस्से की मैं खा लूंगी। वीडियो के चक्कर से याद ही नहीं रहा रास्ता कहाँ पे है। पेटू है, पेटू। तो हम पहुँचने वाले हैं आइसक्रीम पार्लर, और पार्लर में जाके मैं इसके मुँह पर आइसक्रीम पोंछ दूंगी, इसे खिलाऊंगी नहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। हाँ जी मैम, बोल रहा हूँ। बिना टोकन के कुछ नहीं मिलता है। अभी दिखाती हूँ मैं कौन सी लूँगी। तो गाइस यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और पूरे लोग देखो कैसे भरे पड़े हैं। हमें तो अभी चलते चलते खानी पड़ेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि बैठने की तक जगह भी नहीं बची है। मुझे लगता है आगे कोई जुलूस भी निकल रहा है, दोनों ने ले ली है आइसक्रीम। वैसी रैली है, मतलब अभी बताती हूँ कैसे रैली है, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, इनको तो बनना भी नहीं आता है मुझे लगता है।
क्या रहा है, काम जल्दी हो गया तो हमें कुछ और देखने को मिल रहा है। सबसे आगे वाला आके जूस पी रहा है। जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ, परी आइसक्रीम खा रही है चुपके से। तो गाइस मैंने इनकी वीडियो के चक्कर में मैंने इनकी इतनी ज्यादा आइसक्रीम खा ली है ना, आप देख सकते हो। ये ना भी तो कुछ तो भी चलेगा, मुझे तो चलेगा। यहाँ पे ना एक और आइसक्रीम वाला जा रहे हैं, मुझे लग रहा है दूसरी आइसक्रीम भी खा ही लेनी चाहिए मुझे, है ना। एक से बड़े दो से बड़े चार, है ना, ये छह आइसक्रीम खा लूंगी। जैसे कौन सी खास बात है, यहाँ देखो ना भीड़। मैंने बोला कि मुझे जरा जूस पिला दो, फिर अब कोई बात नहीं। यार कुछ ज्यादा ही भीड़ है, ऐसा लग रहा है यहाँ मेला लग गया। मेला इतनी तो मेले में भी भीड़ नहीं थी, मैंने सुना इस बार जो झंडे का मेला था जितनी मार्केट में लगी आज। मैं पहुंच गई हूं घर, तो बड़ी ही गर्मी थी, मार्केट में बहुत भीड़ थी। और आते साथ ये मेरे प्यारे प्यारे नन्नू नन्नू छे बेबी, नहीं बहुत छोटे बच्चे, थक गए। मार्केट जाके चाहे एक छोटा सा ही राउंड लगे लेकिन बहुत थकान लग जाती है। परी को तो भूख भी लगी क्योंकि मैंने उसे खाली आइसक्रीम खिलाई, और आइसक्रीम की वीडियो देखी बच्चों ने जो रोना शुरू करा। अब आइसक्रीम तो ऐसी है ना कि ला भी नहीं सकते, पिघल जाएगी। ये देखो फिर रोना आ रहा आइसक्रीम के नाम से। चलो आप लोगों को बाद में खिलाऊंगी, ओके। चलो गाइस तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बच्चे परेशान कर रहे हैं अभी। मैं आ गई हूँ अपने घर के पास वाली सब्जी मंडी में सब्जी लेने। और दीदी ने तो सब्जी लेना स्टार्ट कर दिया, मैं भी सब्जी ले लेती हूँ। तो ओके बाय।